उत्तर प्रदेश में नववर्ष की शुरुआत कई आईपीएस अधिकारियों के तबादले के साथ शुरू हुई। नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स न्यूज में। और उत्तर प्रदेश में कुल 14 आईपीएस अधिकारियों के हुए तबादले, जहां पर सबसे बड़ी बात करेंगे राजधानी एसएसपी करुणानिधि नैथानी और उन्नाव, उसी तरह से 14 आईपीएस अधिकारियों के हुए तबादले। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 14 आईपीएस अधिकारियों के हुए स्थानांतरण, जिसमें उन्नाव के पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीणा, सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक हिमांशु कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के संतोष कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक रामपुर डॉक्टर अजय पाल शर्मा, बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर, गाजीपुर पुलिस अधीक्षक अरविंद चतुर्वेदी, झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश, मुरादाबाद के सेना नायक 24वीं वाहिनी के मुनिराज को झांसी का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बनाया गया है, खुशीनगर के अपर पुलिस अधीक्षक गौरव बंसाल, हाथरस के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा, बांदा पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा, लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ राजीव नारायण मिश्रा, लखनऊ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैतानी और गाजियाबाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह का हुआ तबादला। हंगामा टाइम्स ब्यूरो।